पिछले वीडियो में हमने प्यूरीन की सेंथेसिस डिस्कस किया, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया लिशनिहान सिंड्रोम। लिशनिहान सिंड्रोम ये है कि सेल्वेज पाथवे के अंदर जो एंजाइम यूज हो रहा था HGPRT, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सेल्वेज पाथवे नहीं होगा। सेल्वेज पाथवे नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि एडेनिन, हाइपोजेंथिन और गवानिन, यानी कि हमारे पास जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा होंगे। वो ज्यादा होंगे तो हमारे पास उनकी डिग्रेडेशन ज्यादा होगी, उनकी डिग्रेडेशन से बनता है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा बनेगा। IMP और GMP यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कम हो जाएंगे। PRPP जो है वो ज्यादा हो जाएगा। PRPP ज्यादा होगा तो हमारे पास सब्सट्रेट ज्यादा होगा फॉर द डिनोवो सिंथेसिस। डिनोवो सिंथेसिस जो है वो हमारे पास, ये डिनोवो सिंथेसिस के लिए सब्सट्रेट जो है वो ज्यादा होगा। सब्सट्रेट अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास IMP और GMP जो है वो ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम डिनोवो पाथ। अगर ये ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा ब्रेकडाउन भी होगी, ज्यादा ब्रेकडाउन होगी तो हाइपर यूरिसीमिया होगा। हाइपर यूरिसीमिया होगा तो हमारे पास यूरिक एसिड के स्टोन बनेंगे किडनी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास गाउटी आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट के अंदर भी यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जब यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन होगी इसको कहेंगे टोफाई। मोटर डिस्फंक्शन होगा, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होंगे। इसके अलावा लिशनिहान सिंड्रोम की एक करैक्टराइजिंग फीचर है जिसका नाम है सेल्फ मिटिलेशन, यानी कि लिप बाइटिंग करेगा वो पेशेंट और फिंगर बाइटिंग करेगा। अब बात करते हैं प्यूरीन की डिग्रेडेशन की, प्रोटीन की, प्यूरीन की डिग्रेडेशन की बात अगर हम करें तो DNA और RNA के ऊपर जब pH कम होती है तो वो डीनेचर होना स्टार्ट होते हैं। डीनेचर होते हैं फिर इनके ऊपर न्यूक्लियेजेस एक्ट करते हैं जिससे हमारे पास ये बन जाते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब इनकी चेन शॉर्ट हो गई। फिर इनके ऊपर हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेसेस काम करते हैं तो ये हमारे पास सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं जिसको मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेसेस काम करते हैं तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोसाइड, यानी कि इनका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेसेस एक्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं प्यूरीन, पायरिमिडीन और साथ में हमारे पास पेंटोज शुगर रिलीज होती है। वो ऑक्सी भी हो सकती है और डीऑक्सी भी हो सकती है, राइबोस भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि अब हमारे पास ये जो यहाँ पे बने हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड AMP या फिर IMP, AMP से हमारे पास जब इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेसेस, हमने कहा था कि मोनोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या एक्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइडेसेस, AMP के ऊपर एक्ट करेगा 5 न्यूक्लियोटाइडेस और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बन जाएगा ये एडिनोसिन। हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब ये एक्ट करेंगे तो बन जाएगा ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एक्ट करने से हमारे पास ये बन जाएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन जब होगा तो इसके ऊपर हमारे पास एक्ट कराएंगे एडिनोसिन डीएमआईनेस, इसका अमोनिया बाहर निकाल देंगे, अमोनिया बाहर निकाल के बन जाएगा आइनोसिन। दूसरा पाथवे क्या है कि पहले ही AMP को डीएमआईनेटेड कर लें, AMP DMINase से, तो बन जाएगा IMP, IMP का न्यूक्लियोटाइडेस यूज करेंगे 5 न्यूक्लियोटाइडेस तो बन जाएगा आइनोसिन। अब आइनोसिन से आगे क्या है, इस पे एक्ट करेगा प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड, पाइरोफॉस्फोराइलेस और ये बन जाएगा हाइपोजेंथीन। हाइपोजेंथीन के ऊपर जेंथीन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, जेंथीन बन जाएगा, इसके ऊपर फिर से जेंथीन ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, H2O2 बनेगा और यूरिक एसिड बनेगा। ये हमारे पास हो गया थ्रू AMP पाथवे। अब GMP के थ्रू पाथवे कैसे आएगा कि GMP के ऊपर भी 5 न्यूक्लियोटाइडेस एक्ट करेगा, वो बनेगा गुआनोसिन। गुआनोसिन के ऊपर हमारे पास यही वाला एंजाइम प्यूरीन, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा तो ये बन जाएगा गवानीन। गवानीन के ऊपर गवानेज एक्ट करेगा और ये बन जाएगा हमारे पास जेंथीन और फिर ये हमारे पास जेंथीन ऑक्सीडेज में कन्वर्ट होकर तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द यूरिक एसिड। यही बात हमने लिशनिहान सिंड्रोम में की थी कि अगर हमारे पास PRPP ज्यादा होगा तो हमारे पास डिनोवो पाथवे जो है वो ज्यादा होगा। डिनोवो पाथवे ज्यादा होगा तो IMP, AMP, GMP वगैरह जो है वो ज्यादा बनेंगे। ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा डिग्रेड होंगे, ज्यादा डिग्रेड होंगे तो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो वो किडनी में, सॉफ्ट टिश्यूज में और हमारे पास यूरिन के अंदर आएगा और हमारे पास जॉइंट्स के अंदर एक्युमुलेट होगा जिससे हमारे पास लिशनिहान सिंड्रोम होगा। और वो क्यों होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT एंजाइम। इसके बाद सेकंड डिजीज है हमारे पास गाउट। गाउट की बात करें तो गाउट के अंदर हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होने की दो वजहें, या तो वो ज्यादा बन रहा है या वो कम एक्सक्रीट हो रहा है। ज्यादा बनना जो है वो कम है, लेस कॉमन है और अंडर एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा होती है। लेस ओवर प्रोडक्शन की कॉज की अगर हम बात करें तो PRPP एक ज्यादा हो गया लाइक लिशनिहान सिंड्रोम में जैसे हुआ था, उसके अलावा वॉन ग्रीक डिजीज में, इसके अलावा हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर हो जाता है। और ये कि हमारे पास जो है इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिविटी, एक तो ये कि PRPP से ज्यादा हो गया, दूसरा ये कि इनहिबिटर यानी कि जो AMP, GMP, प्यूरीन, न्यूक्लियोटाइड थे उनकी सेंसिटिविटी जो है ना वो कम हो गई है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन का वो होता जा रहा है और यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है। और म्यूटेशन हो गई है जीन में जो कि PRPP सिंथेज के लिए था ना एंजाइम, उसकी म्यूटेशन हो गई जिससे हमारे पास PRPP ज्यादा बन रहा है। दूसरी वजह क्या थी कि अंडरस्क्रिप्शन हो रही है। अंडरस्क्रिप्शन के लिए प्राइमरी कॉज है उसका तो कॉज इडियोपैथिक यानी कि वजह हमें नहीं मालूम। सेकेंडरी कॉज क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक एसिडोसिस है। इलेक्ट्रिक एसिडोसिस की वजह से हमारे पास यूरिया की जो है वो रीअब्सॉर्प्शन होती रहती है यूरिक एसिड की। और इसके अलावा थायराइड जो लूप डायुरेटिक्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और तीसरा हमारे पास है लेड एक्सपोजर से, जो लेड वाला उसका स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है सेट यूरिनिन गाउट जो लेड की वजह से हो रहा है। इन सब केस के अंदर हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड अकुमुलेट होगा। यूरिक एसिड की अकुमुलेट होगा तो फिर इसको ट्रीट कैसे करना है। इसके अंदर हमारे पास मसल्स के अंदर मोनोसोडियम यूरेट, क्रिस्टल जॉइंट्स, टिश्यू और यूरल इथियासिस यानी कि किडनी के अंदर भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हमने चेक कैसे करना है, साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो जॉइंट्स में फ्लूइड होता है उससे हम सैंपल लेंगे और उसको चेक करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें अगर एक्यूट अटैक है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना एजेंट्स देंगे लाइक स्टीरॉयडल ड्रग भी देते हैं, कोलीचीन भी देते हैं और हमारे पास स्टीरॉयडल ड्रग कौन से हैं, प्रेडनिसोन और नॉन स्टीरॉयडल देते हैं इंडोमेथासीन। और हमारे पास जो है अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो यूरिक एसिड का लेवल जो है उसको मेंटेन करना होता है 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। इसमें हम क्या करते हैं कि यूरिकोसूरिक एजेंट्स देते हैं लाइक प्रोबेंसिड और सल्फेनपायराजोन और हम इनहिबिटर देते हैं जेंथीन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर देंगे तो हमारे पास इसका नाम एक है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल जो है वो प्यूरीन डेरिवेटिव इनहिबिटर है। इसके अलावा फिब्रोजोस्टैट जो कि नॉन प्यूरीन इनहिबिटर है।
जैंथीन ऑक्सीडेज का, जैंथीन ऑक्सीडेज को जब हम इनहिबिट करेंगे तो ये दो स्टेप्स नहीं होगी, ये दो स्टेप्स नहीं होगी तो हमारे पास यूरिक एसिड नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो उसका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसको हम मेंटेन करेंगे बिलो 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो कि इसका सैचुरेशन पॉइंट है, इससे ज्यादा होगा तो यूरिन में भी आएगा और किडनी में स्टोन्स भी बनेंगे। इसके अलावा एक डिजीज है जिसका नाम है एडीनोसिन डीएमआईनेज डेफिशिएंसी। एडीनोसिन डीएमआईनेज अब कहाँ यूज हो रहा था हमारे पास, यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास स्किड होता है। एडीआई अगर कम होगा तो एडीनोसिन जो है वो ज्यादा होगा, एडीनोसिन ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बी और टी सेल है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी तो हमारे पास किड हो जाएगी। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर हमारे पास एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। अब हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड तो बना लिया, यानी कि आरएनए के बना लिया, अब हमने इनको डीएनए के कैसे कन्वर्ट करना है। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक एंजाइम है जो कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, और इसके अंदर हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम यूज होता है थायरोडॉक्सिन, थायरोडॉक्सिन जो है वो थायरोडॉक्सिन रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा। फिर इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए हमारे पास थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज एक एंजाइम है वो काम करता है, और ये यूटिलाइज करता है एनएडीपीएच से इलेक्ट्रॉन लेकर दोबारा रिड्यूस हो जाता है, और हमारे पास इस तरह जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अटेन होते हैं। एटीपी जो है वो इसको ज्यादा करता है, और डीएटीपी यानी कि डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड जो इसका प्रोडक्ट है वो इसको इनहिबिट करते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है ना उसको एटीपी का एटीपी जो है वो ज्यादा करता है, यानी कि सब्सट्रेट ज्यादा करता है और प्रोडक्ट इनहिबिट करता है। इसके बाद हमारे पास प्यूरीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट चीजें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, जो हमारे पास दरमियान वाले सेंटर वाले कार्बन और एक नाइट्रोजन है, सेकंड वाले रिंग का पेंटोज रिंग का वो हमारे पास आ रहे ग्लाइसिन से, और हमारे पास दो नाइट्रोजन जो नीचे लगे हैं वो आ रहे हैं ग्लूटामीन से, दो कार्बन जो है वो साइडों वाले एक पेंटोज वाले रिंग का और एक जो हेक्सोज वाला रिंग है इनका आ रहा है एन10 फॉर्माइल टेट्राहेड्रोफोलेट से, एक नाइट्रोजन आ रहा है एस्पार्टेट से, और एक कार्बन आ रहा है थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमारे पास पाइरिमिडीन रिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास तकरीबन हाफ से ज्यादा मॉलिक्यूल एस्पार्टेट से आ रहा है, नाइट्रोजन एक ग्लूटामिन से आ रहा है, एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। तो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो एंजाइम है इसके हमारे पास दो सब यूनिट होते हैं R1 और R2। यहाँ पे हमारे पास जो है एटीपी जब लगती है तो हमारे पास इसको एक्टिवेट करती है, जबकि हमारे पास डी एटीपी जो लगती है डीऑक्सी जो सब्सट्रेट्स लगते हैं वो हमारे पास जो है इसको इनहिबिट करते हैं। इसके बाद हमारे पास तकरीबन लास्ट टॉपिक है पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन। पायरिमिडीन्स की अगर हम बात करें तो पायरिमिडीन्स जो हैं इनके लिए हमारे पास दो एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामिन आएंगे, और CPS2 की प्रेजेंस में। CPS1 हमने कहाँ पढ़ा था, इन द यूरिया साइकिल कार्बोमाइल फॉस्फेट 1, यहाँ पे हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट ही बनेगा। वहाँ पे क्या यूज हो रहा था, एटीपी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। CPS1 की प्रेजेंस में यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन। और यहाँ पे हमारे पास जो है CPS सिंथेसिस एंजाइम में तो हमने वही जो फॉर्मुला पढ़ा हुआ है कि एटीपी जो है वो यूटिलाइज होती है, तो एटीपी यूटिलाइज होगी और एडीपी फॉस्फेट और ग्लूटामेट बाहर निकल जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एस्पार्टेट ऐड होगा, एस्पार्टेट ऐड होगा तो कार्बोमाइल एस्पार्टेट बन जाएगा, और यहाँ पे एंजाइम होगा एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। कार्बोमाइल एस्पार्टेट के ऊपर डाइहाइड्रो ओरोटेज एंजाइम यूज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइहाइड्रो ओरोटेट के अंदर, इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा। फिर डाइहाइड्रो ओरोटेट के ऊपर डाइहाइड्रो ओरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, FMNH2 बनेगा और हमारे पास बन जाएगा ये ओरोटेट या ओरोटिक एसिड। ओरोटिक एसिड के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा OPRT ओरोटिक एसिड फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसपिरेज, ओरोटिक एसिड फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसपिरेज जो PRPP को यूज करेगा और पाइरोफॉस्फेट बनाएगा और बना देगा ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यानी कि एक पायरिमिडीन हमने सिंथेसाइज कर लिया जिसका नाम है UMP। UMP से अब CMP कैसे बनेगा और थायमीन कैसे बनेगा, UMP जो है वो UTP में कन्वर्ट होगा बाय ATP की यूटिलाइजेशन, और हमारे पास UTP से CTP सिंथेस एक्ट करेगा इसके ऊपर, UTP के ऊपर ATP ऐड होगा और ग्लूटामीन ऐड होगा, ग्लूटामीन से इसको अमोनिया मिल जाएगा और ये बन जाएगा CTP, और इससे हमारे पास TTP यानी कि थायमीन कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि हमारे पास यहाँ तो साइटोसिन से आएंगे या फिर डायरेक्ट यूरासिल से आएंगे। साइटोसिन से अगर आएंगे तो इसमें से अमोनिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूरासिल से साइटोसिन में जाने के लिए हमें अमोनिया डालना पड़ेगा, तो साइटोसिन से यूरासिल में जाने के लिए हमें अमोनिया निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास अगर डायरेक्ट इधर से कर रहे हैं यूरासिल से तो हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट निकालेंगे और UMP बना देंगे। UMP से TMP बनाने के लिए हम यूज करेंगे थायमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम, इसके अंदर हम जो है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो यूज करेंगे और इसको डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगी TMP यानी कि थायमीन बन जाएगी, और थायमीन जो है वो हमेशा डीऑक्सी होती है क्योंकि वो डीएनए के अंदर यूज होनी होती है। और THF को दोबारा से रिसाइकिल कर लेंगे इनटू N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब हमारे पास दो इधर ड्रग्स दी हुई है, एक है 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो हमारे पास इस कन्वर्जन को रोकती है कि N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट से डाइहाइड्रोफोलेट ना बने, और जो दूसरा है हमारे पास मेथोट्रेक्सेट वो हमारे पास दोबारा से इसको रिड्यूस होने से रोकती है, इसको रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो है जब ये वापस से डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइहाइड्रो से टेट्राहाइड्रो में, तो हमारे पास ये दोबारा से बन जाएगा और थायमिन बनेगी। अगर हमारे मेथोट्रेक्सेट ड्रग अगर यूज करेंगे हम तो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं दोबारा रीजनरेट हो सकेगा, रीजनरेट नहीं होगा तो थायमिन कम बनेगी, थायमिन कम बनेगी तो कैंसर सेल की डिवीजन जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह हम जो है वो कैंसर सेल को ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा डिफरेंट प्यूरिन एनालॉग्स हैं लाइक मायरकेप्टोप्यूरिन, एलोप्यूरिनोल, थायोग्विनिन, R2-प्यूरिन, एजाथायोप्रिन। इसके अंदर से एलोप्यूरिनोल जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है जो कि हमने पढ़ा था कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और जो एजाथायोप्रिन है ये हमारे एजाथायोप्यूरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। पायरिमिडीन की डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्रेडेशन से CMP और UMP की डिग्रेडेशन से बीटा एलानिन बनती है, और थायमिन की डिग्रेडेशन से बनता है बीटा माइनो आइसोब्यूटाइरेट, बीटा एलानिन बीटा माइनो आइसोब्यूटाइरेट।